32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा फोन, क्या करोगे बताओ बताओ? गोरा दिखना चाहते हो? अच्छा, तीन चार स्मार्टफोन्स हैं जिनकी हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो करना। सैमसंग गैलेक्सी M31, इसमें फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का मिलता है, 64 मेगापिक्सल का रियर कैमरा विद 8x डिजिटल जूम। बैटरी भी काफी तगड़ी वाली है, मतलब 6000 mAh की विद 15W फास्ट चार्जिंग, मतलब काम चल जाएगा। सुपर एमोलेड स्क्रीन, गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन, 6GB रैम, दिखने में भी काफी खतरनाक, मतलब सब कुछ ऑसम, सिर्फ 14,700 रुपए में। फोन तो जो चाहो आप खरीद लेना, पर थोड़ा आगे बढ़ के इसी वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट चीज के बारे में बात करेंगे, तो कोई भी स्मार्टफोन खरीदने से पहले उसे जरूर सुन लेना। सैमसंग गैलेक्सी F41, इसमें भी 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, और 98% फीचर्स इसमें पहले जो भी हमने बात किया ना सैमसंग गैलेक्सी M31 उसके जैसी देखने को मिलते हैं। दोनों में फर्क थोड़ा सा है, मतलब इस वाले स्मार्टफोन में 41 में आपको 6GB रैम, 128GB स्टोरेज मिल जाता है 14,500 रुपए में, वहीं M31 की बात करें 14,700 रुपए में 6GB रैम और 64GB स्टोरेज मिलता है सिर्फ। तो आज के हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी 128GB मिनिमम स्टोरेज तो होना चाहिए। अब ये जो फोन है ना, ये थोड़ा खतरनाक स्मार्टफोन है। अच्छा, हमको सिखा रहा है? अरे नहीं, मतलब काफी अच्छा फोन है, चलो अब इसकी बात कर लेते हैं। तो करना। Redmi Note 9 Pro Max 32 मेगापिक्सल का कैमरा विद काफी सारे खतरनाक फीचर्स, बेजल लेस डिस्प्ले, गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोडक्शन, 64 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा सेटअप है विद 10x डिजिटल जूम, मतलब दूर की चीजों को अपने पास ला सकते हो। अच्छा, सिर्फ कैमरा में। वैसे इसका रियर कैमरा थोड़ा सा ट्रैफिक लाइट जैसा है दिखने में, बाकी फीचर्स प्रोफेशनल लेवल के हैं तो अच्छा खासा काम चल जाता है। टेक्नो आजकल काफी अच्छे खासे फीचर्स लेके आ रहा है, मतलब कम से कम पैसों में ज्यादा से ज्यादा फीचर्स। इसका एक स्मार्टफोन है टेक्नो कैमोन 15 प्रो, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है पॉप अप वाला, मतलब जो कूद कर बाहर आ जाता है। ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है तो फोटोग्राफी के हिसाब से काफी परफेक्ट है। बाकी इसके रियर पर एक फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, मीडियाटेक हीलियो P35 का प्रोसेसर, 6.53 इंचेस की काफी ज्यादा बड़ी स्क्रीन। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है ये कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो यार। तो दो स्मार्टफोन सैमसंग के थे, एक रेडमी का और एक टेक्नो का, जिनके बारे में हम बात कर चुके हैं। पर अब मतलब मैंने शुरू में कहा था ना एक काम की बात बताऊंगा, तो बात है ये 32 मेगापिक्सल नाम देने से कैमरा 32 मेगापिक्सल का नहीं हो जाता, क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। लाइक एप्पल में 12 मेगापिक्सल का कैमरा है, बाकी काफी सारे स्मार्टफोन्स हैं जिनमें हमें 108 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर देखने को मिल जाता है, बट क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी ओवरऑल जो तामझाम होता है वो एप्पल में हमें अच्छा देखने को मिलता है। तो अगर आपको 15,000 रुपए के बजट में एक परफेक्ट ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए जिसमें कैमरा, बैटरी, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, मतलब सारा सब कुछ खतरनाक हो, तो Redmi Note 10s या फिर Realme 8 बिना सोचे समझे खरीद सकते हो। अभी Amazon और Flipkart पर दोनों स्मार्टफोन 13,000-14,000 रुपए के मिल रहे थे, काफी अच्छी डील थी, लिंक दोनों को डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। बाकी आप अपनी श्रद्धा अनुसार जो चाहें कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।